मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हुई भाजपा की जीत में बसपा का बड़ा योगदान रहा है। इसी को लेकर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी प्रमाण पत्र लेने के बाद सीधे माठ के विधायक श्याम सुंदर शर्मा के पास आभार व्यक्त करने पहुंचे। श्याम सुंदर शर्मा ने भाजपा की जीत को संख्या बल की जीत बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम मथुरा के कद्दावर नेता और माठ के विधायक और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्याम सुंदर शर्मा के आवास पर है। जैसा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है और किशन सिंह चौधरी विजयी हुए हैं, और विजयी होते हुए सबसे पहले वो यहाँ श्याम सुंदर शर्मा जी के आवास पर आए। और आपको बता दूं कि उनकी जीत में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा योगदान रहा है और उसी का जीता जागता प्रमाण आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किशन सिंह चौधरी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नागिन जी हैं, और जो प्रमाण पत्र है और जो उन्हें जीत का प्रमाण पत्र मिला है उन्होंने लाकर श्याम सुंदर शर्मा जी को सौंपा, क्योंकि उनका इसमें बहुत योगदान है। आइए जानते हैं श्याम सुंदर शर्मा जी क्या कहते हैं इस जीत पर। पंडित जी बताएं, आज किशन सिंह चौधरी मथुरा के नए जिला पंचायत बने, इसमें आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी खासकर आपका विशेष सहयोग रहा है। ये संख्या बल के सामने माथा टेका जाता है और संख्या बल चौधरी किशन सिंह जी के साथ था, इसलिए उनको ढेर सारा साधुवाद हम देते हैं। ये तो दलों ने इस संकीर्ता कर दी है पंचायत के। पंचायत तो पंच परमेश्वर का चुनाव होता है और पंच परमेश्वर जनता में जो पंच परमेश्वर होते हैं वो बिना दल के होते हैं। मंत्री जी, आपने संख्या बल की बात कही है, तो संख्या बल तो सबसे ज़्यादा आपके पास था, इनके पास तो 8 थे, आपके पास 13 थे। नहीं, संख्या बल दलों के आधार पर नहीं है, संख्या बल दिलों के आधार पर माना जाता है। आप ये तो नहीं कह रहे कि संख्या बल पर माथा टेक है, इन्होंने आपके पास माथा टेक दिया? नहीं नहीं नहीं, माना है मैं नहीं, ये हमारा छोटा भाई है और हम नागेंद्र जी को ज़्यादा धन्यवाद देते हैं इनके लिए। नहीं, हमारा छोटा भाई है, बढ़िया से होगा, पूरा जिले में संप्रभुता की लहर चलेगी, रचना की ज्योत जलेगी, निर्माण की तरफ कदम बढ़ेंगे, विकासमयी मथुरा बनाने में पूरी योगदान देंगे। हम लोग भी मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से उस यज्ञ में जो आहुति दे सकते हैं हम देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि दलों से ऊपर उठ करके पूरे जिले का विकास हो। ये आपका जो मथुरा में भाजपा और बसपा का गठजोड़ आगामी विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएगा? इससे कोई मतलब नहीं है, ये पंचायत का चुनाव था, पंच परमेश्वर का चुनाव था, ये लोकल चुनाव होते हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल डिसीजन न हम कर सकते हैं, न हमें अधिकार भी है, न हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार है। आगामी विधानसभा में ऐसे रुझान आ रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर है बसपा भाजपा का, हम लोग निर्णय नहीं ले सकते, नहीं कोई घोषणा कर सकते, ये तो निर्णय हमारा अपना लोगों का था। अब ऐसे ही है, पहले लोकदल ने हमें पटकनी दी थी बीजेपी के साथ मिल करके, दी थी नहीं दी थी, अब कि हमने पटकनी दे दी उनको, इसमें क्या दिक्कत है? अब ये तो इनका तो बंटवारे का काम था बीजेपी का, पहले हमें मान लिया उनसे मिल करके, अब उन्हें मान लिया हमसे मिल करके, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? तुम इनकी जीत में आपके बसपा का कितना योगदान रहा है जो 22 से इनके मत मिले? अब ये तो परमेश्वर जानता है, भगवान जानता है, लेकिन किसी हमारे लोगों ने, किसी ने भी न कोई गद्दारी की है और पूरा सहृदय से, साफ हृदय से इनको आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है और वोट दिया है। किशन जी क्या कहेंगे, मंत्री जी ने बहुत कुछ इशारे इशारे में कह दिया, जो कहा है वो सही सत्य कहा है। कितना योगदान रहा बसपा का आपके लिए? कितना योगदान रहा है बसपा का? निर्दलीय है, कितने रहे? गुरु का आशीर्वाद रहा, निर्दलीय भी रहे। जो मंत्र दिया उन्होंने आगामी 5 साल कार्यकाल के लिए, जनता का और अपने सदस्यों का विशेष सम्मान रखना, उनका काम पे जाना, तो उसके लिए आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेंगे? सभी का साथ लेके चलेंगे, सब लोग साथ काम करेंगे और गुरु से आशीर्वाद लेंगे, निर्दलीय उधर भी बैठे उन्हें भी साथ लेके चलेंगे। मैं विकास का इतना ही कह सकते हैं, यही सोच के आपने समर्थन किया? हाँ, श्याम सुंदर शर्मा जी ने बहुत ही एक स्पष्ट वार्ता के साथ अपने विचार रखे और कहा कि दलगत राजनीति से उठकर आज यहाँ पर इस तरह का जो माहौल बनाया और उसी माहौल से किशन सिंह को जीत मिली है, और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने मथुरा में जिस स्तर पर जो सहयोग किया है और उसका उदाहरण यहाँ पर पेश किया है। जब उन्होंने पूछा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ रहेगा तो उस पर उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और कहा कि उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, हालांकि ये आगामी 2022 के चुनावों को बहुत प्रभावित करेगा इस तरह का जो गठजोड़ है। फिलहाल यहाँ जो सेहरा बंधा है
जिला पंचायत अध्यक्ष का वो किशन सिंह के सिर पर बना। अब देखना ये है कि ये मथुरा के विकास में अब किस तरह की वो गति प्रदान करेंगे, जिससे कि जो पार्टी ने उन पर और सदस्यों ने जनता ने उन पर जो विश्वास जमाया उस पर वो कितने खरा उतरते हैं। जी 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।